हे एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं निकोरान ओडी 10 टैबलेट के बारे में। इसके अंदर जो मेडिसिन होती है वो होती है निकोरेंडिल 10 mg, जो कि यूज होती है चेस्ट पेन से रिलेटेड बीमारियों के प्रिवेंशन में और ट्रीटमेंट में, जैसे कि एंजिना पेक्टोरिस, दिल से संबंधित एक बीमारी होती है उसके ट्रीटमेंट में ये टैबलेट यूज होती है। ये टैबलेट डॉक्टर आपको तब प्रिस्क्राइब करके देगा जब आपको और चेस्ट पेन से रिलेटेड टैबलेट्स या तो सही से काम नहीं कर रहे हैं या तो बेअसर हैं आपके ऊपर। ये टैबलेट लेने से आपका एंजिना का यानी कि दिल के दौरा पड़ने का रिस्क बहुत हद तक कम हो जाता है, ऐसा डॉक्टर्स का दावा है। ये ऐसा कैसे कर पाता है? ये आपके ब्लड वेसल्स को यानी कि खून बहने वाली नाड़ियों को वाइड कर देता है, चौड़ा कर देता है, जिससे कि आपका ब्लड फ्लो आपकी नाड़ियों में इम्प्रूव हो जाता है, जिससे कि हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये टैबलेट आपने डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल भी नहीं लेनी है, आपने इसको चबाना नहीं है, पूरा का पूरा इस गोली को आपने खाना है। अगर आपकी कोई टैबलेट मिस हो गई है तो आपने अगले दिन 2 गोलियां नहीं खानी है, 1 गोली ही खानी है अपने डॉक्टर को पूछकर। अगर आपके डॉक्टर ने आपको ये टैबलेट चेस्ट पेन के लिए लिख कर दी है और कुछ दिन खाने के बाद आपका चेस्ट पेन ठीक हो गया है तो आपने खुद से टैबलेट नहीं छोड़नी है, नहीं तो आपका चेस्ट पेन वापस आ सकता है, ठीक है। इसके बजाय आप लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको छोड़नी पड़ेगी, अल्कोहल शराबी हैं अगर आप तो शराब आपको छोड़नी पड़ेगी, अच्छा खाना खाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक और स्ट्रेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स के बारे में। इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं सिर में दर्द होना शुरुआती दिनों में, ये थोड़े दिन बाद ठीक हो जाता है। उसके अलावा इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि डिजीनेस, चक्कर आना, कमजोरी होना और फ्लशिंग होना। फ्लशिंग मतलब आपके चेहरे पर, कानों में, गर्दन में आपको एक गर्माहट का एहसास होगा, वो एक इसका साइड इफेक्ट है। अगर आपको ये साइड इफेक्ट जाहिर हो गया है आपकी बॉडी में तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को जाके बात कर लो। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस के बारे में कि कौन ये टैबलेट नहीं ले सकता है। अगर आपको लो बीपी की शिकायत है या हार्ट फेल हो चुका है ऑलरेडी आपका एक बार पहले, तो उस सूरत में आपने ये डॉक्टर को अपने पहले ही बता देना है, उस हिसाब से डॉक्टर ये टैबलेट आपको लिख के देगा। उसके अलावा आपने कोई भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की गोली नहीं लेनी है ये टैबलेट लेते वक्त, इससे आपको सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और अगर आप लेडी हैं, प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, छोटे बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो उस सूरत में भी आपने पहले ही अपने डॉक्टर को बता देना है, तो आपका डॉक्टर उस हिसाब से आपको दवाई लिख कर देगा। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।